जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है, आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। आज हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार अपनी राशि के अनुसार लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी हमें उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद भारद्वाज से मिली है। आइए जानते हैं हर राशि के अनुसार किस विधि से करें लड्डू गोपाल का श्रृंगार, इससे आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि के रंग बने रहेंगे। मेष राशि की बात करें, भगवान का लड्डू गोपाल का श्रृंगार लाल वस्त्रों से करना चाहिए। उसके पश्चात वृषभ राशि का अपन बात करते हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों को भगवान लड्डू गोपाल का श्रृंगार चांदी की वस्तु से करना चाहिए और चांदी की वस्तु उनको धारण करवाना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों को भगवान का श्रृंगार लहरिया वस्त्रों से करना चाहिए तथा कर्क राशि वाले जातकों को भगवान का श्रृंगार सफेद वस्त्र से और सफेद वस्त्र उनको धारण करना चाहिए, सफेद पुष्पों से उनका श्रृंगार करना चाहिए गोपाल जी का। सिंह राशि वालों व्यक्तियों को भगवान का श्रृंगार जो है गुलाबी रंग से करना चाहिए। कन्या राशि वाले व्यक्ति को हरे रंग से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों को भगवान का श्रृंगार केसरिया रंग के वस्त्रों से करना चाहिए। मेष राशि वालों को लाल रंग से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों को पीले रंग से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए तथा पीत वस्त्र उनको धारण करवाना चाहिए। मकर राशि को वाले जातकों को भगवान का श्रृंगार पीले पुष्पों से करना चाहिए और कुंभ राशि वालों को नीले वस्त्र भगवान को धारण करवाना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों को भगवान का श्रृंगार पीतांबरी वस्त्र धारण करवा के करना चाहिए तथा पीतल के आभूषण आदि स्वर्ण के आभूषण उन्हें भगवान को पहना करके श्रृंगार करना चाहिए और पीतांबरी रूप में भगवान का श्रृंगार करें। तो आपने देखा कि 12 राशियों के लिए लड्डू गोपाल का किस तरह से श्रृंगार करना चाहिए जिससे ये शुभ साबित हो सके। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकल 18।